स्वसहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर 12 सूत्री मांगों के लिए सरकार के खिलाफ धरना दिया। महिलाओं ने धरने के दौरान कलेक्ट्रेट का घेराव कर थाली चम्मच बजाते हुए सरकार को जगाने का प्रयास किया। हरदा जिले में दोपहर का भोजन बनाने वाली स्वसहायता समूह के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से जिले भर के स्कूलों में दोपहर की भोजन व्यवस्था ठप हो गई है, जिसके चलते स्कूलों में बच्चों को कहीं सूखी सेव परमल तो कहीं पोहा खिलाया जा रहा है। बच्चों का कहना है कि यदि ऐसा पहले ही पता होता तो घर से टिफिन लेकर आते। आपको बता दें कि अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर जिले के 490 स्वसहायता समूह की 5800 महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चौथे दिन स्वसहायता समूह की महिलाओं का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। इस दौरान सभी महिलाएं थाली चम्मच लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई और कलेक्ट्रेट का घेराव किया, थाली चम्मच बजाकर सरकार को जगाने का प्रदर्शन किया। स्कूल की किचन का ताला टूट गया, ताला छोटी सी पानी क्या हुआ सर, धमकी दिए हम कहे कि तुम निकल जाओ, दूसरी समूह वाला को दे देंगे। तो हमसे हमने चाबी नहीं दिया, हमने ताला तोड़ दिया। अबे बनवा रहे दिनेश भाटिया जी, क्या चाहते हम तो हमारा लेंगे। ये मांगे हमारी सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए, मुख्यमंत्री तक के हम गए। चुनाव होता है तो मध्यान्ह भोजन वाली भाई उन दिखती है, मध्यान्ह भोजन वाली भाई उनको बोलते हैं कि खाना बना के दो, मध्यान्ह भोजन वाली भाई उनकी तनख्वाह नहीं दिख रही क्या? 2000 में कुछ नहीं होता, इसीलिए सरकार से हमारी ये मांगे है कि 6000 रुपए मिले जाए हमारे को। और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो चूल्हा कहीं नहीं जलेगा, और गैस की टंकी 25 बच्चे पे हमारे को एक गैस टंकी निशुल्क मिलना चाहिए। हमारे को गैस टंकी भी निशुल्क नहीं मिलता, उसी में हमारे को सब पूरी सामग्री का वो करना पड़ता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।